आज का ब्लॉग है भादरिया माता, जो कि जैसलमेर में रामदेवरा से 55 किलोमीटर आगे जैसलमेर पोखरण हाईवे पर है। तो चलिए आज का व्यूज आपको दिखाता हूँ मंदिर का। भादरिया माता का इतिहास के बारे में बता दूँ तो भादरिया माता वो टोटल 7 बहनें थी, इसका 6 बहनों का मंदिर तो जैसलमेर ज़िले में है और एक माता का मंदिर है जो खोडियार माता, जो कि गुजरात में स्थित है। तो अभी चलते हैं अंदर, मंदिर का व्यूज दिखाते हैं आपको, जिसे स्वांगिया माता नाम से भी जाना जाता है और ये पाटी समाज की कुल देवी है। मंदिर के सामने का व्यूज है और यहाँ पर प्रसादी स्टोर है जहाँ से प्रसादी खरीद सकते हैं आप और भी खिलौने वगैरह खरीद सकते हैं यहाँ के। और ये सामने ही कमरे बने हुए हैं वो जिसमें आप रह सकते हो रात को। माता का मुख्य द्वार है अंदर जाने के लिए और यहाँ से अंदर जाते हैं अभी। और यहाँ पर शॉर्ट्स वो छोटे कपड़े पहनना अलाउड नहीं है। हम मंदिर के अंदर आ गए यहाँ पर और उस साइड में रसोई घर है और बाकी उस साइड में कार्यालय बना हुआ है जहाँ पर मतलब जो भी वेट करना चाहते कर सकते हैं। और अभी चलते हैं अंदर की ओर, चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पर जी का मुख्य मंदिर है आया है और अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करवाते हैं आपको। माता भादरिया राय माता का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर और सामने ही मंदिर में बैठे विराजमान है भादरिया राय माता जी। माता जी के मंदिर की परिक्रमा पथ है और यहाँ पर एक जाल है जो कि 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी जाल है। ये मंदिर का इतिहास के बारे में बताऊँ तो ये जैसलमेर के राजा गजय सिंह जी ने बनाया था और ये 200 साल पहले बनाया हुआ है और इससे बड़ी जाल है वो 200 साल से भी पुरानी है। यहाँ पर ये चित्रकारी बहुत ही अच्छी सुंदर बनाई हुई है। भादरिया राय माता जी की जूनी जाल है जो कि 200 साल पुरानी थी, वही जाल यहाँ पर अभी भी है। और यहाँ पर भगवान जी की जो भी मूर्ति माता जी की है यहाँ पर विराजमान है। भादरिया राय माता जी का मुख्य मंदिर है और ऊपर धर्म ध्वजा लहराई हुई है लाल कलर की, बहुत ही सुंदर और आकर्षित मंदिर है। के पास में जस्ट समाधि स्थल बना हुआ था, चलिए अंदर जाते हैं अभी दिखाते हैं व्यूज वहाँ का। जैसे ही अंदर जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर यज्ञशाला आती है जहाँ से हवन कुंड वगैरह होता है। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है परम पूज्य संत श्री हरि वंश सिंह जी की समाधि स्थल बनी हुई है। यहाँ पर सुंदर कलाकारी से बनाया हुआ ये मंदिर है और यहाँ पर महाराज श्री की समाधि स्थल है और यहीं पर पास में एक गुफा है। संग्रहालय है निर्मल ज्योति संग्रहालय महाराज संत श्री हरिवंश सिंह जी का। और जो ये पत्थर पड़े वो सभी मतलब नदियों से ला के इकट्ठा करके यहाँ पर जमा किए थे। सामने निर्मल ज्योति संग्रहालय है और यहाँ पर विश्राम गृह वगैरह आराम कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के। और सामने ही लाइब्रेरी पुस्तकालय है, तो चलिए अंदर जाते हैं अभी। हाँ, यहाँ पर ये भूमिगत लाइब्रेरी है पुस्तकालय, तो चलिए अंदर जाते हैं अभी। जमीन के नीचे भाग में यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में बताइए आप।
एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी है, 2562 लाइब्रेरी है, जमीन के 18 फीट नीचे हैं, 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी से। फिर चलते आगे और देख सकते हो यहाँ पर पूरी मतलब सारी जगह बुक्स लगी हुई है यहाँ पर। और अभी चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं हर विषय पर पुस्तकें, धार्मिक, इतिहास, कानून, हर विषय पर तमाम सब्जेक्ट पर पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। देखो हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के चारों में यहाँ पर देखो हिंदू रिलीजन की भी बुक्स है यहाँ पर। दोस्तों आज हम वहाँ पहुँचे हैं एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी श्री भद्रा राय मंदिर, जहाँ पर 562 अलमारियों में बनी पुस्तकों को रखा गया है, ये देखिए आप। हेलो दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी है, 15,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है और ये रैंक 16,000 स्क्वायर फीट हैं। ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है, जो ज़मीन के 18 फीट नीचे हैं। इसका आकार अंग्रेजी के डबल टी आकार में बनी हुई है। राजस्थान पुलिस की भर्ती के लिए और भी कानून व्यवस्था की सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है, ये देख सकते हो आप। राजस्थान विधानसभा की भी पुस्तकें यहाँ पर है और भी बहुत जगह की है, मतलब अलग अलग वर्ड से पूरी जगह से रिसर्च करके यहाँ पर वो पुस्तकें रखी हुई है, बहुत ही अच्छी है। ये हिंदी लक्सर की बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ लाइब्रेरी का जो अंडरग्राउंड बनी हुई है। यहाँ पर 1000 साल पुराने पांडुलिपि भी यहाँ पर रखी हुई है पुस्तकें, ये देख सकते हैं आप पूरा व्यूज। इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास वगैरह सब जगह की है, ये देख सकते हैं आप पूरा पहले के पुराने ज़माने की ही ये। यहाँ पर गीता प्रवचन की भी पुस्तकें रखी हुई है, सब जगह हर एक धर्म की है, हर एक रिलीजन की है, सारी की सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, पूरी दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा नज़ारा है यहाँ का लाइब्रेरी, मस्त मतलब सारी की सारी पुस्तकें रखी हुई यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है, देख के बहुत अच्छा लगा। आप भी मतलब जैसलमेर वगैरह घूमने आओ तो जैसलमेर और रामदेवरा बीच हाईवे पे भद्रा माता का मंदिर है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा गौशाला भी है और एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पुस्तकालय भी है, आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। भद्रा जी महाराज की गुफा बनी हुई है, श्री हरि वंश जी की गुफा, जिन्होंने यहाँ पर 9 साल 7 महीने और 11 दिन गुफा के अंदर बैठ के भक्ति साधना और किताबें वगैरह लिखी थी यहाँ पर। यह रूम मिल गई थी हमको रात को, यहाँ सोने के लिए खाट भी अवेलेबल था। अभी साइकिल पैक कर लिया और अभी जा रहे हैं आगे की तरफ, बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पर। और मैं शाम को आया था मतलब यहाँ पर 5-6 बजे, तो आते यहाँ पर मेरे को रूम मिल गई थी यहाँ पर, तो कल पूरा दिन यहीं पे था, 2 रात और 1 दिन पूरा यहीं पर था। और ये हमारी साइकिल अभी पैक कर ली, अभी जाते हैं आगे जैसलमेर की तरफ खाना खा के, 11 बजे खाना बनेगा तो यहाँ पर खा के फिर चलते आगे। बहुत ही अच्छी जगह, आते ही रूम मिल गई थी यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही बड़ा गौशाला बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप गाय वगैरह यहाँ पर खड़ी है, बहुत ही बड़ा गौशाला है, 9 किलोमीटर के पूरा रास्ता है, दोनों तरफ गौशाला है और 12 बोरवेल ये कुएं बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा सेवा दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ का रास्ता पूरा मतलब हरा भरा है और ठंडी ठंडी छाँव भी है बीच में, बहुत ही अच्छा सुंदर रास्ता है यहाँ पर, पूरा हरियाली हरियाली है जो कि बहुत अच्छा है। एंटर गेट है और अभी हम जाते हैं जैसलमेर साइड हाईवे पर, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।